सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैमसंग S22 अल्ट्रा के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे हाथ में जो गैलेक्सी S22 अल्ट्रा फोन है और यहाँ पे काफी सारी जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिल रही थी जैसे हीटिंग और बैटरी से रिलेटेड, तो यहाँ पे फाइनली एक अपडेट आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं इस अपडेट के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस बिना देर किए मैं फटाफट से आपको लेकर चलता हूँ अपडेट के ऊपर। और अपडेट यहाँ पे देखो आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जैसे हम ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अपडेट योर फोन, एंड यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे बाद में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम जान लेते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो ओवरऑल स्टेबिलिटी फंक्शंस वगैरह में जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो और क्या है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पहले इसकी डिटेल्स गाइस, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पे देखो ये जो अपडेट है वो समथिंग 1500 MB का देखने को मिलेगा, यानी कि 1.5 GB का ये अपडेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैचेज है वो इसका अपग्रेड होकर अप्रैल का मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे गैलेक्सी वेयरबल यानी कि जो आपको यहाँ पे वॉच मिलती है इसके साथ आप वॉच कनेक्ट कर सकते हो। इस फोन के साथ भी वॉच फ्री मिली थी जो थी हमारी गैलेक्सी वॉच 4, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है सैमसंग इंटरनेट को लेकर। यहाँ पे मुझे भी काफी सारी जो प्रॉब्लम है देखने को मिल रही थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी फिक्स हो जाएंगी गाइस, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, तो जो इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये मुझे खास करके काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे नीचे और है सैमसंग हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर बग वगैरह था तो वो भी यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। सैमसंग मेंबरशिप भी कराती है उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट कर दी गई, कैलकुलेटर में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया गया, मतलब कि डिजाइन UI के मैटर में सिर्फ, ठीक है। और स्विच के मामले में जो कि आप सेकंड फोन मतलब कि फोन के अंदर एक स्विच स्मार्टफोन यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो यही एक अपडेट है जिसमें इतने सारे हीटिंग और से रिलेटेड तो यहाँ पे या फिर बैटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई गई कि यहाँ पे सॉल्व की जाएगी, बट ऐसा नहीं होता कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अपडेट में नहीं बताते डिटेल, लेकिन वहां पे जो सॉल्व है प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है बैटरी से रिलेटेड, हीटिंग से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे जो आप बग वगैरह को जो अपनी जो बैटरी वगैरह अगर आपकी ज्यादा यूज हो रही है तो जल्दी डाउन हो रही तो वो थोड़ा लेट डाउन होने लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं।